नमस्कार, देचू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान मौसम में, तो राजस्थान क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। तो राजस्थान देखा जाए तो 18 मार्च से लगाकर 26 मार्च तक देखा जाए तो पूरे राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ है, जो कि काफ़ी जगहों पर देखने में लगी। लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र आते हैं, जैसलमेर हैं, बीकानेर हैं, बाड़मेर से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में देखा जाए तो 21 से लगाकर 26 मार्च तक देखा जाए तो कई क्षेत्रों में गन्ने होने की संभावना है। कुछ क्षेत्र पर तेज़ बुसार भी गिर सकती हैं। लेकिन 18 मार्च से लगाकर 20 मार्च तक देखा जाए मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही है, जो कि आज से राजस्थान की संपूर्ण राजस्थान देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर बादलों की आवाजाही है बढ़ेगी। लेकिन अगले 72 घंटों के बाद में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ हैं, जो कि काफ़ी देखने को मिलेगी। लेकिन 20 मार्च के बाद में देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर तेज़ अंदर से लेकर दक्षिण पश्चिम वहाँ से लेकर कुछ क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी वहाँ से लेकर लेकिन अंदर के समान बन सकती है। तो सबसे पहले राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से शुरुआत कर लेते हैं। इन क्षेत्रों में देखा जाए मौसम लगभग आज का 18 मार्च का लगभग शुष्क रहेगा। जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़, झालोड़ा, कोटा, बारा, बूंदी, भीलोड़ा, अजमेर, टोंक, सहमदपुर सभी क्षेत्रों में देखा जाए मौसम लगभग शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही इन क्षेत्रों में आज से काफ़ी जगहों पर गहरे हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। बादलों की आवाजाही दोपहर में देखा जाए धूप खिलने की बहुत कम संभावना रहेगी और तापमान है लगभग 35-37 डिग्री के आसपास बना रहेगा। इन क्षेत्रों में देखा जाए कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बौछार गिर सकती हैं। मामूली कुछ छुटपुट जगहों पर हल्की बौछार गिरने की संभावना है। लेकिन 18 मार्च के बाद में देखा जाए तो 19-21 मार्च को देखा जाए इन क्षेत्रों में मौसम बादलों की आवाजाही काफ़ी बढ़ेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्र में हल्की रहेगी। लेकिन काफ़ी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आज से काफ़ी जगहों पर घने बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी। जो अजमेर है, टोंक है, सहमदपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, चिकर, नागपुर, झुंझुनू सभी क्षेत्रों में देखा जाए आज से काफ़ी जगहों पर घने बादलों की आवाज़ के बीच मौसम लगभग शुष्क रहेगा। लेकिन कुछ एक क्षेत्र पर झुंझुनू है, चिकर है, जयपुर के आसपास क्षेत्र में, दौसा, अलवर, भरतपुर क्षेत्र में देखा जाए तो बौसार जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा और बादलों की आवाज़ काफ़ी देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की। इन क्षेत्रों में देखा जाए इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर आज बौसार जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। जो सिक्कर हैं, नागौर हैं, झुंझुनू हैं, चुरू हैं, बीकानेर के कुछ क्षेत्र हैं, गंगानगर है, हनुमानगढ़ सभी क्षेत्रों में देखा जाए आज से काफ़ी जगहों पर बादलों की आवाज़ काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन 26 मार्च तक देखा जाए इन क्षेत्रों में मौसम खुला नहीं होगा, लेकिन 26 मार्च 25 मार्च को देखा जाए इन क्षेत्रों में मौसम लगभग साफ होना शुरू हो जाएगा। तो बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू सिक्रम देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर मेघ गिरने के साथ छुटपुट जगह पर मामूली बौछार गिरने की संभावना है। ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन 26 मार्च को देखा जाए इन क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में देखा जाए तेज़ बारिश होने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए मौसम 18 मार्च के लगभग शुष्क रहेगा। लेकिन इन क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर 21-22 मार्च के आसपास में काफ़ी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। जो बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर 22-23 मार्च को देखा जाए तो बहुत हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तो बीकानेर के कुछ क्षेत्र हैं, जैसलमेर के पश्चिम दक्षिण क्षेत्र हैं, बाड़मेर हैं, ज़्यादातर बाड़मेर के वो इलाके शामिल हैं जो बाड़मेर पाकिस्तान की सीमाएँ लगती हैं और गुजरात बाड़मेर की सीमाएँ लगती है। उन क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर 23-24 मार्च को काफ़ी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ छुटपुट जगहों पर बारिश होने की गतिविधियाँ हैं, जो कि देखने में मिलेगी। लेकिन जो जोधपुर हैं, जैसलमेर हैं, बाड़मेर हैं, जालौर, सिरोही, पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर इन क्षेत्रों में देखा जाए तो 21 मार्च से लगाकर 24 मार्च तक देखा जाए काफ़ी जगहों पर तेज़ अंदर चलने की संभावना है। अंदर की गतिविधियाँ जो कि 50 किलोमीटर की रफ्तार से गतिविधियाँ हैं जो कि अंदर चलेगा और कुछ क्षेत्र पर काफ़ी तेज़ भी अंदर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे रहेगा राजस्थान क्षेत्र का मौसम। जय हिंद, जय भारत।